नमस्कार दोस्तों, चर्चा बढ़ते फिल्म में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। सो कल एयरटेल एक्सट्रीम को ब्राउज करते करते एक वेब सीरीज मेरे नज़र में आती है, साइको उर्वशी। साइको नाम सुन के ऐसा लगा कि भाई चलो कुछ साइको मर्डर या फिर कुछ नया हमें देखने को मिलेगा, लाइक अक्सर जो साइको किलिंग मूवीज में देखने को मिलता है, पर मैं गलत था। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सचिन संजय कदम सर की डायरेक्शन में बनी ये साइको उर्वशी एक शॉर्ट वेब सीरीज है। हाँ, मैं इसे शॉर्ट वेब सीरीज कहूंगा, जिसे एयरटेल एक्सट्रीम और हंगामा पे स्ट्रीम किया गया है। कहानी यह है कि उर्वशी एक साइको किलर है। उसे कोई भी लड़का पसंद आता है तो वो उसे अपने घर पे बुला के उसे मिसयूज करके और उसकी मर्डर कर देती है। और ऐसे ही वो काफी मर्डर कर चुकी है, पर इस बार जो बंदा उसके पास आता है उसे उर्वशी से प्यार हो जाता है और उर्वशी को भी उससे थोड़ी मोहब्बत होने लगती है, ऐसा देख के मुझे लगा। तो अब आगे क्या होता है, क्या उर्वशी अपने प्यार को जाने देगी या अपनी प्यार की जान ले लेगी, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। कहाँ तो एयरटेल एक्सट्रीम पे, एयरटेल सिम नहीं है तो आप इसे हंगामा पे भी स्ट्रीम कर सकते हैं। सीरीज में कुल 3 एपिसोड्स हैं, जिसकी अगर टोटल लेंथ को मिला दें तो 27 मिनट की है। जी हाँ, 27 मिनट। और इस 27 मिनट में हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ बातचीत और रोमांस। पूरी सीरीज एक रूम में शुरू होकर और एक रूम में ही खत्म हो जाती है। स्टोरी बिलो एवरेज, स्टोरी के ऊपर कुछ वर्क किया ही नहीं गया और जो स्टोरी में दिखाया गया है भाई, ऐसी स्टोरी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे, कुछ तो नया दिखाओ। स्क्रीन प्ले भी ठीक से बिल्डअप नहीं होता, डायलॉग्स भी एवरेज रहते हैं। कास्टिंग की बात करते हैं, सीरीज में है परी चौहान और पुनीत नामदेव और इनकी एक्टिंग बिलो एवरेज रहती है। भाई जब स्क्रिप्ट ही ठीक से नहीं लिखा तो एक्टिंग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बस ऐसे ही क्लाइमैक्स भी आ जाता है जो और भी एवरेज रहता है। सो ओवरऑल सीरीज में वर्क किया ही नहीं गया। सीरीज में ये लोग क्या कर सकते थे, सीरीज में उर्वशी की एक डार्क साइड को अच्छे से ये लोग दिखा सकते थे। सीरीज में कुछ मर्डर और उसके साथ एक स्टोरी को भी बिल्ड कर सकते थे कि यार ये स्टोरी हो रहा है, इसने मर्डर ऐसे किया। सिर्फ बातचीत से ही हर चीज को अगर कंप्लीट कर दिया जाता तो इतना जो वेब सीरीज निकल रहा है इसमें स्टोरी को बिल्डअप करने की जरूरत ही क्यों थी। बस कैमरा ओपन करके वो बोलती चली जाती और हम लोग सुन लेते, पर भाई हम लोग फिल्म देख रहे हैं, ऑडियो नहीं सुन रहे। इनको उन चीज पे थोड़ा वर्क करना चाहिए था। जिस तरीके से क्लाइमैक्स दिखाया गया वो टोटली रबिश रहता है। क्लाइमैक्स को भी और अच्छे से राइटिंग की जरूरत थी। ये जो टॉपिक है ना, साइको थ्रिलर, इस टॉपिक के ऊपर बहुत कुछ किया जा सकता है, पर थोड़ी होमवर्क की जरूरत है। अभी तो मैं इसे वीक ही कहूंगा। मैं इस सीरीज को रेट करता हूँ 2 out of 10 स्टार्स। एंड एगेंस्ट की बात करें तो 18+ है। और अगर आपने इस सीरीज को पहले देखा है तो आपको ओपिनियन क्या है मेरे साथ कमेंट में शेयर करें और जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस कंटेंट देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में।